यह फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बाल्यावस्था की कुछ घटनाओं पर आधारित है। उन दिनों बालक सुभाष के दादाजी अर्थात बाबू बेणी माधव जी कॉलेजिएट हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। दिल से सच्चे देशभक्त और व्यवहार अत्यंत उदार। सुभाष को अपने करीब पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठता था। सुभाष भी अपनी किसी भी शंका का समाधान करने के लिए बाबू बेणी माधव जी के पास चले जाते थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बखूबी समझते थे। तिरंगे की सातर चालों ने हम हिंदुस्तानियों को दीनहीनता की विकराल अवस्था तक पहुंचा दिया। किसी के परारी होकर रहने से अच्छा तो मौत। बाबूजी, स्वतंत्रता की घड़ियों को तोड़ना आवश्यक हो गया। अब हम हिंदुस्तानियों को कुछ करना ही चाहिए। मुझे तुम पर फख्र है बेटे। काश इस हिंदुस्तान का हर बच्चा तुम्हारे जैसा होता। होता उसमें वो जोश, वो हौसला जो तुम में है। पर तुम अभी बहुत छोटे हो बेटे। बाबूजी, इन वीर फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ। सब पूछो सुभाष, पुराण हिंदुस्तान के जर्जर चेहरे से गुलामी की बू आ रही है। इस देश की माटी को जरूरत है तुम जैसे सपूतों। मैं जब तुम्हारी क्रांतिकारी विचार सुनता हूं तो मेरी छाती फूल जाती है। पर कभी कभी सोचता हूं सुभाष कि तुम्हारे क्रांतिकारी विचारों को साकार रूप कैसे मिलेगा। बाबूजी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरे हौसलों पर संदेह हो रहा है। नहीं नहीं बेटे सुभाष, ऐसी कोई बात नहीं। बाबूजी, हमारी लोगों का खून सफेद नहीं है। हमारे लहू में बेसुमार जोश और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। इन आंखों में स्वतंत्र भारत के लहराते ध्वज देखने की प्यास है बाबूजी। इसलिए बाबूजी, स्वतंत्रता की जंजीरों को काटना प्रत्येक हिंदुस्तानी का परम कर्तव्य है। शाबाश मेरे बेटे सुभाष, शाबाश। मगर सुभाष, तुम क्या सोचते हो कि अंग्रेजी हुकूमत अपनी खिलाफत को बर्दाश्त कर सकेगी? बेटे, ये हर आंदोलन को दबाने में कोई कसर नहीं रखेगी। यहाँ तक कि न्याय और अन्याय की भी परवाह नहीं करेगी। बेटे बाबूजी, क्या फिरंगियों की सरकार इस समय न्याय का पक्ष ले रही है? आज अपने ही देश में हिंदुस्तानी की स्थिति जानवरों से भी बदती है। ये समाचार पत्र आज का है? हाँ, से उठा कर दृष्टि देखिए। जिसे मरने वालों की संख्या का कोई अनुमान। ये फिरंगियों की सरकार क्या कर रही है बाबूजी? हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है। लोग भी बकरियों की तरह मर रहे हैं। सरकार के इस रवैये से हम सब पर चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है सुभाष। केवल चिंतित होने से क्या होगा बाबूजी? क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? किंतु इन हालातों में क्या किया जा सकता है? अंग्रेज सरकार से टक्कर लेना कोई साधारण काम नहीं। ताकत का जवाब ताकत है बाबूजी। मैं उस ताकत को हर हिंदुस्तानी में जागृत करूंगा जो उसे बलिदान के लिए प्रेरित करे। आप सोच रहे होंगे बाबूजी, मैं अकेला हूँ, छोटा हूँ, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा बाबूजी। जाजपुर के लोगों की रक्षा होनी ही चाहिए। मैं तत्काल जाजपुर जाऊंगा। जाजपुर? जाजपुर क्यों? राज्य से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए। मगर है जैसी बीमारी मेरा निश्चय अटल है बाबूजी। मैं किसी भी स्थिति में जाजपुर जाऊंगा। फिर मालूम है क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ बाबू बेणी माधव भी जाजपुर गए। दोनों ने मिलकर के लगभग 2 महीनों तक दलितों और जरूरतमंदों की खूब सेवा की।